ओके सर, कल मैंने एमवे के गाने पे रिएक्ट किया था, गाने का नाम था जंप कर, और उसमें सबसे ज्यादा मैंने तुम लोग से पूछा था कि मैं अगले कौन से एमवे के गाने पर रिएक्ट करूं, तो सबसे ज्यादा कमेंट आया है ट्रिब्यूट टू एमिनेम का। तुम लोगों ने जैसा बोला है हम वैसा करेंगे। लेट्स हियर द सॉन्ग ट्रिब्यूट टू एमिनेम। और उससे पहले रिएक्शन स्टार्ट करें हम, उससे पहले अगर तुम्हें और एमिनेम एमवे के गाने रिकमेंड करने हैं तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो नीचे। सबसे ज्यादा जिस गाने का कमेंट होगा मैं अगला एमवे का उसी एमवे की उसी ट्रैक पर रिएक्ट करूंगा। और अगर तुम एमवे बंटाई के फैन हो स्पैम कर दो नीचे एमवे का नाम, दिखा दो कि बंटाई की पब्लिक कितना प्यार करती है एमवे से। ज्यादा बकवास नहीं करते, लेट्स स्ट्रेट जंप इनटू द वीडियो एंड फाइंड आउट ये गाना कैसा है, क्या सच में एमवे ने जस्टिस दिया है ट्रिब्यूट को, एमिनेम के ट्रिब्यूट को। लेट्स हियर द ट्रैक एंड फाइंड आउट, लेट्स गो। Okay, lose your sense, give it. Melody, okay. एक मिनट, अगर लूज योर सेल्फ की मेलेडी यूज करी है तो इसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं आया क्या? हाँ आया है ना, वही तो मैं सोच चुकी हूँ, लूज योर सेल्फ में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, मैंने भी कभी तो यूज करा था तो उसमें आ गया था। ओके चलो लेट्स गो, लेट्स गो, हम गाने की क्वालिटी में ध्यान देंगे, कॉपीराइट क्लेम और ये सब में नहीं। चलो लेट्स गो। पहले फटती थी छन्ने मुझे स्टेज में, इतना सादा फैंसी शो में शक्तिमान के भेस में, लिया था माइक हाथ में, टीचर खड़ी थी साथ में, मैं रोने लगा, टीचर बोले रो मत बेटा पकड़ी हो ना हाथ में। फिर बाद में दसवीं में जब पढ़ता था जय पोल ने। ओके सो स्टोरी चल रही है यहाँ पे, ही इज डूइंग स्टोरी टेलिंग। लेट्स गो भाई, लेट्स गो, लेट्स गो। साउंड्स गुड, साउंड्स गुड, जो फ्लो है वो अच्छी साउंड कर रही है, अभी तक ड्रॉप नहीं आया है बीट में, पर स्टिल टिल नाउ इट साउंड्स गुड। वापस चलते हैं, थोड़ा सा स्टोरी सुनते हैं एमवे भाई की, लेट्स गो। इतना सादा फैंसी शो में शक्तिमान के भेस में, लिया था माइक हाथ में, टीचर खड़ी थी साथ में, मैं रोने लगा, टीचर बोले रो मत बेटा पकड़ी हो ना हाथ में। फिर बाद में दसवीं में जब पढ़ता था जय पोल ने बताया मुझे एमिनेम के बारे में। ओके ओके सेम, पता है मेरे साथ सेम चीज हुआ था, जब मैं 10th या 11th में था तो मेरा भी एक दोस्त था, उसने मुझे एमिनेम के बारे में बताया था, तो आई कैन रिलेट विद दिस कि जय पोल भाई का जो फ्रेंड था उसने एमिनेम के बारे में, आई थिंक मेरे को भी 10th में ही पता चला था एमिनेम के बारे में, और मेरी और एमयू बंटाई की एज भी लगभग सेम है, आई थिंक भालू बराबर है, तो हम लोग दोनों ने सेम टाइम पे एमिनेम को डिस्कवर किया था। ओके लेट्स गो। दसवीं में जब पढ़ता था जय पोल ने बताया मुझे एमिनेम के बारे में, नहीं पता था क्या होता है रैप क्या हिप हॉप, लेकिन ध्यान दिया मुझे मेरे एमिनेम के गाने ने। कॉलेज में जाता था लेकिन पूरा समय गाना सुन के मैं बिताता प्रैक्टिकल का बुक। भाई एमिनेम की जो कंट्रीब्यूशन है मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा है, मुझे तुम्हारा नहीं पता, और मैं जो एमयू वंटाई साफ दिख रहा है कि एमयू वंटाई के लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एमिनेम का। मैं वो बंदा हूँ ना, मैंने एक वीडियो बनाया था आई थिंक प्रोफेसर मैग्नेट के साथ, मैंने पॉडकास्ट किया था, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे एमिनेम के बारे में, एमिनेम का कॉन्सर्ट, तो मैं उसमें बोल रहा था कि मैं जब एमिनेम के कॉन्सर्ट देखता हूँ यहाँ पे लाइक यूट्यूब में प्ले करके, तो मैं रोने लगता हूँ देख के, कि ये सोचिए कि फ्यूचर में जब मैं कभी अपने लाइफ में कभी ऐसा हो पाए कि अगर मैं एमिनेम को लाइव देखूंगा तो मुझे कैसा फील होगा, मैं ये सोचता हूँ। सो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एमिनेम का मेरे लाइफ में, अगर एमिनेम नहीं होता तो मैं आज रैप नहीं कर रहा होता, और बहुत रैपर जो है वो रैप नहीं कर रहे होते। सो भाई एमिनेम इज लाइक गॉड फॉर मेरे लिए, तो है भाई मेरे लिए तो है। लेट्स गो। जाता था लेकिन पूरा समय गाना सुन के मैं बिताता प्रैक्टिकल का बुक, खाली रहता पीछे से भर जाता, पीछे गाना लिखता जाता, टीचर क्लास से भगाता बुक फाड़ के, लेकिन तेरा भाई झंडा गाड़ के बैठ चुका था, करूंगा रैप पढ़ूंगा रैप बनूंगा रैपर, लेकिन मैं कहां पर। जो पीछे रैप लिखने वाली बात थी ना उससे मैं रिलेट कर सकता हूं, रैपर लेकिन मैं कहां पर खो चुका था, मुझको खुद को नहीं खबर, MBBS करने निकला 12वीं में था ये डर, टपक ना जाओ लटक ना जाओ भटक ना जाओ वही चूहा, खुद ही खुद से मैंने खुद के लिए खोदा था कुआ, लेकिन मेरे कुएं से निकला पानी, रैप करने लगा सबको बताने लगा कहानी, गाना लिख के अब्बा ने बोला गाने तेरे फिक्के, अंग्रेजी में करेगा रैप नहीं चलेंगे सिक्के, फिर ठीक है अब्बा। इसके अब्बा ने बोला कि तुम जो गाना लिख रहे हो वो तुम इंग्लिश में लिख रहे हो, तो अंग्रेजी में तुम रैप करोगे तो वो गाना नहीं चलेगा, ओके सो हिंदी में रैप करो, लेट्स गो। करेगा रैप नहीं चलेंगे सिक्के, फिर ठीक है अब्बा की बात सुन ली मैंने, और बंटाए गाने के आज भी कितने फैन है, बोलो और बंटाए क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम।
और बंटा ही पर अगर रिएक्शन चाहिए तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और बंटा ही सुने मुझे बहुत टाइम हो गया, लगता है 3-4 साल हो गया मैंने नहीं सुना है वो गाना। तो अगर और बंटा ही पर रिएक्शन चाहिए ना, कमेंट करना, हम और बंटा ही भी गाना सुनेंगे, ओरिजिनल वर्जन, मतलब सबसे नया सबसे पुराना वाला, ठीक है। तुम नाश्ता पानी करके पिए, चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे एक ही नाम, बोले बम बम, और बंटा है क्या बोलते तुम नाश्ता। एक मिनट, मुझे यहाँ पे कुछ फील हुआ, कुछ एडिटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, एक मिनट। यहाँ कुछ आवाज आता है बूम पीछे से बैकग्राउंड में, आई डोंट नो वो मिस्टेक है या सच में डाला हुआ है। बनता है क्या बोलते तुम नाश्ता पानी करके पिए, चाय में चीनी कम, छोड़े कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे एक ही नाम, बोले बम बम। हां आई एम बैक, कम बैक भाई, तेरा दे रहा है कम बैक, जहाँ पे हम खड़ जा रहे सब जा रहे हैं बेटा बैक बैक स्नैप बैक, मेरे सर पे पब्लिक का हो रेला बैक पैक, बदला लेने पे आते तो कर डालते सीधा हाईजैक, प्यार से रहते तो स्वभाव पूरा शांत, एड़े चाली कर देगा तो सीधा रजनीकांत, लड़ा रसकला एक कोला या फिर जाके 10 कोला, बात मेरे फुल वास्तव बहुत हार्ड 50 तोला, खो दिया खुद को मैं कुटे रहा हूँ, पर बातों पे नहीं भरोसा है, किताबों पे जो मैंने लिखा है पढ़ के सुना दूँ, सबको बता दूँ ये दास्तां, चले मेरे गिरे पड़े काफी सारे दर्द से, गिरे पड़े चले भाई। फ्लो चेक करो यार, फ्लो चेक करो, और एमिवे की यही खासियत है, उनकी एनर्जी है, उनकी फ्लो, जो एमिवे को एक यूनिक रैपर, डिफरेंट रैपर बनाती है, इतने सक्सेसफुल रैपर बनाती है भाई। लेट्स गो, आप पे बातों पे नहीं भरोसा है, किताबों पे जो मैंने लिखा है पढ़ के सुना दूं, सबको बता दूं ये दास्तां, चले मेरे गिरे पड़े काफी सारे दर्द से, गिरे पड़े चले मेरे बहुत सारे डर से, घर से निकलना मुश्किल है, बातों से बुझले फोकड़ के फोकड़े लोग, बंदूक की गोली के दरी ये छोटे हैं छोटी बातें, और ये छोड़िए सोच, तेरा भाई तो बम फटता मैं जोर से, करता मैं शोर कम, क्योंकि लोगों को कम समझ आता, सब करते वादे पर कोई नहीं निभाता, आधी जिंदगी में वादा पे काटा, ना के रास्ते में राह हुआ ना था, आधी जिंदगी मैंने बाटा पे काटा, नाइकी एडिडास से मेरा बुआ नाटा, सो मैंने आधी जिंदगी स्ट्रगल करके गुजारी है, और अब मेरे पास जो है अच्छे जूते खरीदने के पैसे आ चुके हैं। लेट्स गो, बाटा पे काटा, नाइकी एडिडास से मेरा बुआ नाटा, और बनता है क्या बोलते तुम नाश्ता पानी करके पिए, चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे की नाम, बोले बम बम, और बनता है क्या बोलते तुम नाश्ता पानी करके पिए, चाय में चीनी कम, छोड़े कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे की नाम, बोले बम बम। ओके लेट्स गो भाई, दिस सॉन्ग इज स्पेशली फॉर एमिनेम, स्पेशली फॉर यू होमी। लास्ट में एमिवे ने बोल भी दिया दिस सॉन्ग इज स्पेशली फॉर एमिनेम, और मैं होप करता हूँ ये गाना एमिनेम ने सुना हो, नहीं सुना हो तो फ्यूचर में कभी सुन ले ये गाना, बिकॉज ये गाना सच में लाइक दिस इज ही डिड जस्टिस, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई बहुत लोग को पसंद आएगा, बहुत लोग को, क्योंकि एमिनेम से लोग सीधा कंपेयर करेंगे इस ट्रैक को, क्योंकि एमिनेम के बीट पे ये गाना है, ठीक है, एमिनेम के बीट पे गाना है तो लोग एमिनेम से कंपेयर करेंगे, और एमिनेम से तुम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू मी ही डिड जस्टिस, मुझे पसंद आया गाना का फ्लो, अच्छा था, स्टोरी टेलिंग अच्छी थी, ओवरऑल ट्रैक मुझे पसंद आया, लाइक मेरे हिसाब से ही डिड जस्टिस। सो दिस वॉज द रिएक्शन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, तुम्हें रिएक्शन पसंद आया और डू लेट मी नो इन द कमेंट, और अगला ट्रैक कौन सा मैं बन टाइप पे रिएक्शन करूं बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। इसमें तो कॉपीराइट क्लेम आने वाला है, ठीक है, तो तुम लोग मत बोला कि तुम कॉपीराइट, अगर मुझे बचना होता कॉपीराइट क्लेम से तो मैं दूसरे गाने पे रिएक्ट करता, इसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं हो, ठीक है, पर स्टिल आई एम डूइंग द रिएक्शन क्योंकि तुम लोगों ने बोला था, ठीक है, तो मैंने किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन, और डू सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट में बताना रिएक्शन कैसा लगा, थैंक्स अ लॉट। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।